नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ मच्छर को भगाने के लिए घरेलू उपाय। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मच्छर से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और बहुत सारे बुखारों का भी सामना करना पड़ता है, जिससे हमें बहुत सारी परेशानियां भी होती है और हमें जान का भी खतरा बना रहता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप मच्छर को घर से बाहर निकाल सकते हैं, वो भी घरेलू उपाय से। दोस्तों, गर्मियों के दिनों में मच्छर हर घर में बहुत ही ज्यादा तादाद में आ जाते हैं और इससे बहुत सारी परेशानियां भी होती है। लोग इसे भगाने के लिए मॉस्किटो कॉइल भी यूज करते हैं, जिससे हमें सांस की समस्या होती है और इससे हमें स्किन प्रॉब्लम भी हो सकता है। लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ, इसके उपाय से आपको कोई भी समस्या नहीं होती और साथ ही आपके घर से मच्छर भी बहुत जल्द भाग जाते हैं। दोस्तों, इससे न सिर्फ आपके घर के मच्छर भागते हैं, बल्कि आपके घर के कीड़े मकोड़े भी दूर चले जाते हैं। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताती हूँ वो नुस्खा, जिसके इस्तेमाल से आप बहुत ही आसानी से अपने घर के मच्छर को दूर भगा सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए नीम के ताजे पत्ते और एक मिट्टी का बर्तन और कुछ लकड़ी के कोयले। अब मैं आपको बताती हूँ इसे यूज करने के तरीके। सबसे पहले आप मिट्टी के बर्तन में लकड़ी के कोयले को डालकर आग बना लें। इसके बाद इसमें नीम के ताजा पत्ते डाल दें। कुछ ही देर बाद नीम के पत्तों से धुआं आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप इस धुएं को अपने घर के चारों ओर फैला दें। ऐसा करके कुछ ही देर में आपके घर से मच्छर चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, याद रखें, इस विधि को करते वक्त दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें। 2 मिनट के बाद आप खिड़की और दरवाजे खोल दें। इससे सारे मच्छर भाग जाएंगे और मर जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद आप एक और विधि करके हमेशा के लिए मच्छर को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए नीम का तेल और एक मिट्टी का दिया। मिट्टी के दिए में नीम के तेल के साथ आप दिया जलाएं और घर के कोने में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में कीड़े मकोड़े भी चले जाएंगे और साथ ही मच्छर कभी भी घर पे वापस नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप आज से ही मच्छर को भगाने के लिए ये घरेलू उपाय जरूर अपनाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे, आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू दोस्तों। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।